नमस्कार, आज हम बनाएंगे आलू पोस्तो करी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई चढ़ा लेंगे और उसमें 2 चम्मच तेल गर्म करने रख लेंगे। फ्लेम इसका हम मीडियम रखेंगे, तब तक हम सब्जी की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए हम लेंगे प्याज, लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च और अदरक। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा बारीक चॉप कर लेंगे और एक साथ हम प्यूरी तैयार कर लेंगे। साथ ही हम लेंगे 3 टमाटर, इसकी भी हमें प्यूरी तैयार कर लेनी है। तो ये हमने दोनों की प्यूरी तैयार कर ली है। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच खड़ा जीरा, जो हमने प्यूरी बना के तैयार की है उसे डाल लेंगे। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज की, प्याज को अच्छे से हमें भून लेना है। प्याज अच्छे से भून गया है, अब इसमें हम सभी सूखे मसाले डाल लेंगे। 1 चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे धनिया का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे तीखी लाल मिर्च, होममेड गरम मसाला डाल लेंगे 1/2 चम्मच। सभी को अच्छे से प्याज के साथ मिलाते हुए पका लेंगे। प्याज अच्छे से भुन गया है, अब इसमें हम डालेंगे जो हमने टमाटर की प्यूरी तैयार की है, डाल के अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम डाल देंगे नमक टेस्ट के अनुसार और अच्छे से मिला के इसे हम ढक देंगे। मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे और 5 मिनट के लिए ढक देंगे। जब तक सब्जी रेडी हो रहा है, हम आलू पोस्तो के लिए पोस्तो और काजू को पीस के तैयार कर लेंगे। तो आलू पोस्तो बनाने के लिए मैंने लिया है काजू। काजू को मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख लिया था। और पोस्तो लिया है खसखस 2 चम्मच, इसे भी डाल लेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं। प्याज टमाटर अच्छे से मसाले के साथ पक गया है, अब इसमें हमने जो खसखस और काजू का पेस्ट तैयार किया इसे डाल लेंगे। डाल के अच्छे से इसे हमें भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो गई है, अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। पानी डाल के अब फ्लेम हाई कर लेंगे और इसे हम ढक देंगे। और जब तक ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी और गाढ़ी हो जाएगी, तब तक हम आलू पोस्तो के लिए आलू को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैं एक कढ़ाई चढ़ा ली हूँ और इसमें बहुत कम हमने ऑयल गर्म करने रख लिया है। फ्लेम हमने मीडियम रख लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 5 उबले हुए आलू। इसे मैंने बड़े बड़े पीस में कट कर लिए हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा का पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर लिया मैंने, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, क्योंकि ग्रेवी में भी हमने नमक डाल लिया था। और सभी को अच्छे से आलू के साथ मिलाते हुए हमें भून लेना है। आलू को मैंने अच्छे से भून लिया है, गैस बंद कर देंगे और ग्रेवी चेक कर लेंगे। ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो गई है, इसमें जो हमने आलू फ्राई किया है उसे डाल लेंगे धीरे से। और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और बस इसे हमें हाई फ्लेम करके 1 मिनट तक पका लेना है, 1 उबाल आने देना है। आलू पोस्तो करी बनके तैयार है, गैस बंद कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। प्लेटिंग कर लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप इसे मेरे इंस्टाग्राम पेज ज़ायका विद कुलेश पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।